बिहार के अरवल जिले में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं सुपर नेपियर ग्रास है। तो इस वीडियो में हम केवल जानेंगे कि इसको कौन कौन से महीने में लगाया जा सकता है, इसकी सिंचाई कैसे किया जाता है, और कितने दिन पर इसका फर्स्ट कटिंग शुरू होता है, और ये कितने साल तक चल सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे। मैं अरुण कुमार, हरिया डेयरी फार्म जी, जुनाठी अरवल। और ये पीछे हम देख रहे हैं जो घास लगा है सर, इस कौन से घास है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये सुपर नेपियर है, थाईलैंड का वैरायटी। जी जी, सबसे अच्छा थाईलैंड का वैरायटी हम लोग मानते हैं। हम और लगाए थे लेकिन हटा दिए। तो कितना कट्ठा में लगाए हैं सर? 3 बीघा में। 3 बीघा में लगाए हैं? तो 3 बीघा में कितने पशुओं के लिए पर्याप्त हो जाता है? 28 पशु के लिए एकदम पर्याप्त है। तो इसको लगाने का कौन सा महीना उपयुक्त होता है? अभी लग सकता है दिसंबर और जनवरी के छोड़ के कोई महीना में लगा सकते हैं आप। जी जी, तो कैसे लगाया जाता है और सिंचाई कैसे किया जाता है? खेत को अच्छा से जुतवा दीजिए, पटा दीजिए, पटा के पंक्ति से लाइन से लाइन 3 फीट जी, पौधा से पौधा 2 फीट को गुल्ली स्ट्रेट गाड़ दीजिए, चाहे 90 डिग्री के कोण पर भी गाड़ सकते हैं जी, गाड़ दीजिए, हो जाता है। लगाने के बाद सिंचाई तरीका है, लगाने के बाद देखिए कि मॉइस्चर हट गया जमीन में तो पटा दीजिए। और कितने दिन में अंकुरित हो जाता है सर? 4 से 5 दिन में। और फर्स्ट जो कली निकलता है तो एक कली से कितना? एक कली अगर एक पौधा लगता है जी, तो फर्स्ट बार में 4 से 10-12 निकलेगा जी। इसके बाद दूसरा कटिंग में आपको 40 से 60 चल जाएगा जी, और फिर तो बढ़ जाएगा। अभी तो गिने भी नहीं करेगा, इतना कनिया की गिने जी, जी। नहीं। कितना साल हो गया सर इसको लगाए? 4 साल है। 4 साल हो गया। कितने एक बार लगा दिया जाता है? तो 8 साल चल जाएगा। अभी तो 4 साल हो गया, अभी तो कोई पते नहीं चल रहा है कि कब कई साल ही चलेगा जी। जी, देख ही रहे हैं कितना हरा भरा है, कनी गिनाए भी नहीं करेगा, जितना कनी है ना गिनाएगा जी। तो लगाने के बाद फर्स्ट कटिंग कितने दिन के बाद? फर्स्ट कटिंग हम 2 महीना पर काटते थे, सेकंड कटिंग हर 35 से 40 दिन में कट जा रहा है जी। जी, कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स है सर इसमें? इसमें सबसे बेस्ट है फाइबर जी, प्रोटीन है 14 से 15% जी, और शुगर है 4 से 5%, 6% 8% मानिए। जब ये जो आ जाएगा तो इसका जड़ एक के जो अंगेरी बोलते हैं ना देहात में, ऊपर वाला भाग उतना मीठा लगता है। मैंने पशुओं को खाने में किस कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत, ये बड़ा हो गया था तो सियार आ गया था, तो सियारबन चिप जाता था जी, जी नोच लेता था, मीठा लगता, मीठा लगता है। पशु को बहुत आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक होता है। इसको किस तरह की मिट्टी में लगाया जा सकता है? किसी मिट्टी में लगेगा, पानी ज्यादा दिन तक नहीं टिकना चाहिए जी। जी, और कई सारे लोग बोलते हैं कि इसको लगाने के लिए मेड़ बनाना पड़ता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेड़ से पानी के थोड़ा बचत होता होगा हमारे समझ से जी। जी, वैसे मेड़ उड़ के कोई आवश्यकता न है जी, या बहुत ज्यादा नीचा जमीन है तो मेड़ पर रहेगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा जी। लेकिन हम लोग बिहार में तो ऐसा है कि पानी को उतना अति न है कि बाढ़ उड़ इधर आता है। तो बरसात में पानी लगता होगा सर यहाँ पर ना? पानी लग जाता है, ये अगला टोपरा में लग जाता है जी, 3-4 दिन रहता है फिर सूख जाता है। और 8-10 दिन पानी रहता है तो कोई दिक्कत न होता है। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।